पदमावत को लेकर जितने मुंह उतनी बातें, अब नेता भी अपने अपने लिहाज से इस विवाद के पीछे के तर्क गढ़ रहे हैं। साथ ही इनेलो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की विधायक नैना चौटाला का कहना है कि उपद्रव करने वाले राजपूत नहीं बल्कि परेशान बेरोजगार युवक हैं। पद्मावत फिल्म के विरोध के बीच अब नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं और इस तरह की फिल्में ना बनाने की नसीहत भी दे रहे हैं। इनेलो विधायक नैना चौटाला महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंची। यहां उन्होंने कहा कि उपद्रव करने वाले राजपूत समाज के लोग नहीं बल्कि परेशान बेरोजगार युवा हैं। ये तो देखो वही बेरोजगार बच्चे हैं जो इस टाइप की हरकतें करते, गैंगरेप, और आज उनको उस साइड थोड़ा मोड़ मिल गया तो वो जाके आगजनी वगैरह कर रहे हैं। नैना चौटाला ने फिल्म इंडस्ट्री को नसीहत देते हुए कहा है कि इस तरह की फिल्में नहीं बनानी चाहिए जिससे समाज की भावनाएं आहत होती हैं। जो ये मूवीज बनाते हैं ना, ये गलत है। अगर कोई समाज इस चीज को लेके बहुत ज्यादा रोष प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप समाज की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाओ। आप उनके साथ एक पैसा कमाने के लिए आप लोगों को इतना उग्र कर रहे हो, क्यों लोगों का नुकसान? आप ऐसी पिक्चरें ही ना बनाओ जिससे समाज नाराज हो। फिल्म पद्मावत का हरियाणा में खूब विरोध हो रहा है। सरकार ने पद्मावत को हरियाणा में बैन किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया।